जय श्री कृष्णा, सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और अब हम बात करेंगे बच्चे में डिसिप्लिन लाने की। तो यहाँ पे सवाल ये आया है कि कोशिश की जा रही है, बच्चे को समझाया है और हम भी अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो बच्चे में डिसिप्लिन फिर भी नहीं आ रहा है या उस लेवल का डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मन की प्रकृति क्या है। मन की प्रकृति ये सबसे पहले समझना जरूरी है। हमारा मन है ना, भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6, अध्याय 6 श्लोक 6, उसमें लिखा गया है, बंधुरात्मना आत्मन तस्य एन आत्मना आत्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत। वर्तेता एव शत्रु, शत्रु दुश्मन, वत दुश्मन जैसा। अब समझते हैं इसका अर्थ क्या है ना। मैंने तो बोल दिया फटाफट, है ना, क्योंकि मैं भगवद गीता काफी दिनों से सुना रहा हूँ और जो लोग पुणे या पुणे के आसपास है, आप सभी को निमंत्रण भी है। हमारा भगवद गीता का पूरा 700 श्लोक का प्रवचन पूरा होने को है अगले कुछ हफ्तों में। उसके बाद हम एक छोटी सी पूजा का आयोजन करेंगे और हमारे पुणे सिंहगढ़ रोड ऑफिस में आप सभी का स्वागत है प्रसाद के लिए। तो अगर आप में से कोई आ सकता है तो स्वागत है। संडे को रखेंगे, कौन सा संडे, तो मे बी आज से 4 या 5 संडे बाद जो संडे आएगा उस दिन ये होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तो भगवान जब चाहेंगे तभी होगा, है ना। यस, तो बात कर रहे थे हम मन की, हमारे मन की प्रकृति क्या है। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा, बंधुरात्मना आत्मन तस्य एन आत्मना आत्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत। अर्जुन को सिंपल भाषा में कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। ओहो, क्या कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर ये बात सच नहीं है तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब इसका कारण क्या है, जरा समझते हैं दोस्तों। आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी एनएलपी सीख चुके हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी मन की भाषा। क्या है मन की भाषा, एनएलपी। तो उसमें एक बात बताई जाती है कि सबकॉन्शियस की प्रकृति क्या होती है, मन की प्रकृति क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो हमारे मन को क्या चाहिए, हमारे मन है ना, हमारा मन हमारा सर्वेंट है और उसकी एक ही ख्वाहिश है, आप कंफर्टेबल रहो। क्या रहो, कंफर्टेबल रहो। अब ये मन को कंफर्ट की भाषा नहीं समझ में आती कि एग्जैक्ट कंफर्ट का मतलब क्या है। एग्जाम्पल, मैं अगर दिन में 5 6 8 घंटा भाषण देता हूं, अलग अलग सेशन लेता हूं ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है लाइफ एकदम सेट है, कंफर्टेबल है, बराबर है। बट अगर मैं मेरे मन को चॉइस दूं तो वो क्या बोलेगा, अरे काहे को सेशन ले रहा है ना, उससे तो बेहतर है आराम करो, गप्पे मारो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, ये करो वो करो, है ना। तो मन क्या करता है, हमें कंफर्ट में रखना चाहता है। क्या करना चाहता है, हमें कंफर्ट में रखना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, मन को शॉर्टकट चाहिए। क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, हर चीज को जल्दी से कंप्लीट करना चाहता है वो, कम से कम मेहनत में। इसे कहेंगे लॉ ऑफ मिनिमम एफर्ट। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मिनिमम एफर्ट। आपका मन चाहता है कम से कम एफर्ट में आपका काम हो जाए। अब ध्यान से सुनिए, 1 घंटा काम करना है और 3 मिनट गाली खानी है, कौन सा चॉइस बेहतर होगा, क्या लगता है आपको, 1 घंटे का मेहनत वर्सेस 3 मिनट का गाली। तो आपको बात मेरी समझ में आ गई कि मन क्या करता है ना। तो मन क्या करता है, शॉर्टकट मारना चाहता है, आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है। और दूसरी बात, ये दो हो गई, तीसरी बात क्या है, मन को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। क्या चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे साथ ना हरदी का जोड़ती है सुबह 5 बजे मेडिटेशन। क्या, हरदी का, छोटी सी बच्ची है, अभी अभी टीनेज में आई है और नई नई स्कूल में उसने एडमिशन भी लिया, तो 6:15 बजे उसे घर से निकलना पड़ता है। एंड कैन यू इमेजिन कि वो सुबह सुबह 5 बजे हमारे इसी, देखो मैं तो आपको बताऊं, हमारे ग्रुप में, यू नो,
ये जो आईडी है वही हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, 9890935775। तो हम रोज सुबह 5 बजे फ्री टू ऑल मेडिटेशन लेते हैं, और वहां वो छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, रोज सुबह आती है। अभी स्कूल शुरू हो गई और वो नहाकर रेडी होकर आ जाती है स्कूल ड्रेस में, एकदम प्यारी सी लगती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं दिल से उसको अप्रिशिएट करता हूँ, दिल से उसे अप्रिशिएट करता हूँ। उसके साथ ही मेरी स्वयं की छोटी बच्ची भी अभी आने लग गई, अनुष्का, उसको भी मैं बोलता हूँ यस, मैं उसे हक देता हूँ, बोलता हूँ यस बेटा क्या बात है ना, तुम विरले इंसानों में से। अब मेरी बड़ी बेटी 3.5 साल से, ऑलमोस्ट तीन तीन 2.5 साल, क्षमा, 2.5 साल से रोज सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करती, उसको भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, आनंद मिलता है, और ये आनंद उसके डिसिप्लिन का और कंसिस्टेंसी का कारण है। समझे बाबू? जैसे अभी आपने मुझे 10 में से 10 मार्क दिए, एक ने तो 10 में से 200 दे दिए, 200 तो बाबा और 1 घंटा भाषण देंगे, 1 और साल भाषण देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मन को भी आपके जैसे, वैसे मेरा मन अलग है, क्षमायाचना, और इसमें कोई अहंकार नहीं है, गुरु जी की कृपा से मैं इससे परे हूं, है ना। हमें कोई मजा वजा नहीं चाहिए, मैं एक बहुत ही सिंपल और बोरिंग डेली रूटीन वाली लाइफ जीता हूं, बहुत ही सिंपल और बोरिंग डेली रूटीन वाली, है ना। आप देखो मेरे वीकली रूटीन देखो, मेरे डेली रूटीन देखो, मंथली रूटीन देखो, कॉपी पेस्ट होते हैं, मैं ट्रेंड हूँ। यहाँ आपको लगता होगा मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता हूँ, ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, क्योंकि आपको एजुटेनमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एजुटेनमेंट, एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ जैसे आप आते हो, मैं आपका थोड़ा सा हंसी का कोटा भी पूरा करता हूँ, करता या नहीं करता? अगर करता हूं तो प्लीज टाइप कीजिए यस, टाइप कीजिए यस, है ना। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारे मन की इस प्रकृति को समझते हैं। मन को क्या चाहिए? मन को कंफर्ट जोन में रहना है। मन को क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। मन को क्या चाहिए? इंस्टेंट आनंद चाहिए, यस और यस। अब ये अगर मन की प्रकृति है, आप ध्यान से सुनिए, इसमें एक आगे फैक्टर ये आ जाता है कि बच्चा अगर छोटा है, छोटा मतलब 22 साल से नीचे, ओके, 22 साल तक उसको बच्चा ही बोलेंगे, है ना, भले ही शादी हो गई हो फिर भी बच्चा बोलेंगे, नहीं होती है ना, कुछ लोगों की शादी भी जल्दी हो जाती है फिर भी उसे बच्चा ही बोलेंगे। तो 22 साल के नीचे अगर वाला बच्चा है तो उसमें ये प्लेजर प्राप्त करने की, इंस्टेंट आनंद प्राप्त करने की प्रकृति और ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो बच्चों की कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू, लिखिए फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने क्या बोला? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं दीवार को जोर से पंच मारूंगा तो दीवार मेरे हाथ को जोर से पंच मारेगी। विश्वास नहीं होता तो बाजू में दीवार है, मार के देखिए, है ना, कहाँ गया? हाँ, दीवार भी जोर से मारती है। वह सेम वे होता है बच्चों की, अगर आपको किसी भी कार्य में कंसिस्टेंसी चाहिए, बच्चों की आपको अगर किसी भी कार्य में कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, कि उस कार्य में से बच्चे को या तो एप्रिसिएशन मिले या आनंद मिले या फ्यूचर का कुछ अचीवमेंट उसको दिखे, ये 2-3 में से 1 पैरामीटर को टिक लगना चाहिए। मैंने क्या कहा? या तो इंस्टेंट आनंद मिले या तो एप्रिसिएशन मिले। क्या कहा मैंने? इंस्टेंट आनंद या एप्रिसिएशन या फ्यूचर का कोई सपना पूरा होता है ना, कोई सपना फ्यूचर में पूरा हो रहा है, वो अगर बच्चे को दिखेगा तो फिर बच्चे को आपको रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है, नहीं है, है ना। अब यहाँ पे एक और बात है दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग ध्यान से और कान से सुन रहे हैं जरा मुझे दिखाइए, है ना, सुन रहे हैं क्या? कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे, है ना, कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग कान से सुन रहे हैं, कुछ लोग दोनों से सुन रहे हैं। तो बात को समझते हैं दोस्तों कि
बच्चे को ना आदत डालिए एक्टिविटी बेस्ड, व्हाट्स द वर्ड, एक्टिविटी बेस्ड एप्रिसिएशन प्राप्त करने की, एक्टिविटी बेस्ड प्लेजर प्राप्त करने की। प्लीज नोट करें, मैं टीनेजर्स का लाइफ सक्सेस कोच हूँ, प्रोफेशनल हूँ इस मैटर में, और बच्चे ना, टीनेज बच्चे मेरी मानते ही मानते हैं, है ना। मेरा अब तक का फेल्यूर रेट सिर्फ 4 है, 4 बच्चे ने मेरी नहीं मानी, और ये ना के बराबर है मेरे हिसाब से, जितने बच्चों से मैं बात करता हूँ। उसका रीजन क्या है कि आई एम वेरी गुड एट मूविंग द किड्स फ्रॉम पैसिव प्लेजर टू एक्टिव प्लेजर। अब पैसिव प्लेजर क्या है और एक्टिव प्लेजर क्या है जरा समझते हैं। पैसिव प्लेजर मतलब क्या है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप द कॉमेडी शो के जज बन गए हो, नवजोत सिंह सिद्धू जी, है ना, और जो करेगा वो पार्टिसिपेंट करेगा, हम तो केवल हंसेंगे, है ना। हा। ओ गुरु क्या बात है गुरु, वाह 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 वाह, है ना, छा गए गुरु, है ना, होता ही या नहीं होता। इसे कहते हैं पैसिव प्लेजर। आजकल सबको यही आदत लग गई, अब हमें खुद को भी पैसिव प्लेजर से बचना है। दोस्तों मेरे लिए बहुत आसान है, रात को 9 बजे कोई प्राइम शो लगा दिया और देखते बैठा मैं, 1 घंटा मेरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। पर मैं देखो, बुधवार को मैं टीम की ट्रेनिंग लेता हूँ, गुरुवार को एनएलपी लेता हूँ, शुक्रवार को मैं ये क्या कहते हैं पेरेंट की पाठशाला लेता हूँ, सोमवार को क्या लेता हूँ, भगवद गीता लेता हूँ। तो हफ्ते में 4 दिन तो मैं आपके सामने प्रकट होता हूँ अलग अलग मंच पे, बराबर है, यस और यस, है ना। मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग संडे को चलता है, तो मैं अलग अलग सेशन लेता हूँ। ये एक्टिव प्लेजर है, जब मैं आपको आपको सवाल पूछते हो, मैं कुछ जवाब देता हूँ, और आप में से जैसे आज किसी ने मैसेज डाला यहाँ पे कि सर आपके पिछले सेशन को सुना, हमने टीवी का टाइम कम कर दिया, रात को 9:30 बजे वाईफाई बंद कर रहे, आज मत कीजिएगा। आज 10 बजे बंद करेंगे, तो ये कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो ये जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ ये एक्टिव प्लेजर है, व्हाट्स द वर्ड, एक्टिव प्लेजर है। मैं कार्य कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ और मुझे प्लेजर प्राप्त हो रहा है, यस। पैसिव प्लेजर क्या है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सोफासन कर रहा हूँ, सोफासन, यू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो सोफासन, कितने लोगों को पता है सोफासन, ये सोफे पे बैठ के किया जाने वाला आसन है, या बिछाना आसन, यू नो, बराबर अलग अलग मुद्रा में लोग, है ना, बड़ी बड़ी मुद्रा में, जैसे कहते हैं ना ऐसे वैसे 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 कैसे कैसे, है ना, अलग अलग मुद्रा में लोग ये आसन करते हैं और स्क्रीन देखते हैं। क्या देखते हैं, स्क्रीन, छोटी वाली स्क्रीन, बड़ी वाली स्क्रीन, और ये बड़ी वाली स्क्रीन, है ना, बराबर। कुछ लोग तो आजकल थिएटर लगा रहे, प्रोजेक्टर्स लगा रहे घर में, बराबर। अब ऐसे क्या होता है, ये पैसिव प्लेजर है, मोबाइल देखना, टीवी देखना, सीरीज देखना, है ना, ये क्या है, पैसिव प्लेजर है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो पर आपको आनंद मिल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, इसका एडिक्शन लग जाता है, क्यों, क्योंकि मन की प्रकृति वाले सब चीजों को यहाँ टिक लग रहा है। क्या आप कंफर्टेबल हो, हाँ हो, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है क्या, हाँ, बिना मेहनत के शॉर्टकट के मिल रहा है क्या, हाँ। अब जब ऐसी कोई आदत लग जाती है तो वो आदत, ध्यान से सुनिए, वो जिसे कहते हैं ना खराब मैंगो जैसी होती है, यू नो, अभी आपने बहुत सारे अल्फांसो खाए होंगे, यस, कितने लोगों ने आम खाए समर में, छुट्टियों में खाए क्या आम, हाँ, तो बहुत सारे आम खाए, है ना। तो आम में क्या होता है, एक अगर बिगड़ा हुआ आम है तो वो सबको खराब कर देगा। सेम वे प्लेसिव प्लेजर की जो आदत होती है वो ऐसे एक्सपांड हो जाती है ना, क्योंकि मान लो मैं सेशन लेके आनंद प्राप्त कर रहा हूँ और टीवी देख के आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, मेरा मन क्या बोलेगा, अरे काहे को मेहनत कर रहा है, एक सीरीज और देख। अब ध्यान से सुनिए, एक डिसिप्लिन बड़ी मेहनत से आपने लगाया और एक पैसिव प्लेजर की आदत लग गई, और वो आदत ये डिसिप्लिन को भी खा रही है, 15 मिनट इसमें से, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, खत्म। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज सबसे पहले ऑडिट कीजिए। क्या कीजिए, ऑडिट, ऑडिट यानी क्या, जमा खर्च, है ना, हिसाब कीजिए आपके बच्चे के एक्टिव प्लेजर के कौन कौन से पॉइंट है, लिखिए, है ना। जैसे आज मेरी छोटी बेटी स्कूल से आई, ओके,
और आते ही उसने अपनी मम्मा को पूछा कि मम्मा, मेरे साइंस की टेस्ट का रिजल्ट आया है, आपको क्या लगता है मुझे कितने मार्क मिले होंगे, है ना? तो मम्मा ने कुछ कम एस्टिमेट कर दिया, मिस हो गया टारगेट, है ना? मैंने ज्यादा बोल दिया, मिस हो गया टारगेट। और दादी ने तो एग्जैक्ट वही बोला जो उसको मार्क आए थे, है ना? बट मार्क तो उसके बहुत अच्छे थे, बराबर है। एंड जिसे कहते हैं ना कि लॉकडाउन में काफी फिसल गई थी स्टडी में, वो अभी बैक ऑन ट्रैक आ गई। एंड ये मार्क उसे इतनी खुशी दे गए कि ये जो एप्रिसिएशन उसको मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसकी वजह से वो अपने आप स्टडी को बैठ जाती, हमें बोलना नहीं पड़ता। एक्टिव प्लेजर, व्हाट्स द वर्ड, एक्टिव प्लेजर। तो ऑडिट करेंगे बच्चे का एक्टिव प्लेजर किस किस चीज में आता है, कौन सी चीज है जो बच्चे को एप्रिसिएशन देती है, उससे उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लिख के लेंगे। क्या करेंगे, लिख के लेंगे। निगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, पैसिव प्लेजर कौन कौन सा है। और पैसिव प्लेजर के टाइमिंग को ना धीरे धीरे कम करना है, वहां कुछ एक्टिव प्लेजर वाला डालेंगे, बराबर है ना? मोबाइल का गेम है, उसको रियल गेम से बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते क्या, बदल समय लगेगा बट बदल सकते हैं, है ना? यस और यस? तो ऑडिट करेंगे, क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, है ना? और ऑडिट करने के बाद ये चेंजेस करेंगे। ये चेंजेस अगर आपने कर दिए और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है उसमें आपके बच्चे को एक्टिव प्लेजर मिला, तो डिसिप्लिन कंटिन्यू चला। से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक दिन भी मिस नहीं करता सुबह का मेडिटेशन। क्यों? मुझे पता है कि मैं करूंगा तो मेरी बेटी आ करेगी, और वो मेरी बेटी आज जब सुबह आती है, वीडियो ऑन करके मेडिटेशन को बैठती है, मुझे बहुत आनंद मिलता है। हाँ, मेडिटेशन से ज्यादा मुझे आनंद इस बात का है क्योंकि मैं एक पिता भी तो हूँ। मेडिटेशन तो मेरे लिए जीवन है, मैं दिन में कम से कम 90 मिनट या 1.5 घंटा मेडिटेशन करता हूँ हर दिन, चाहे जो हो जाए। ओके, तो मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए जिंदगी है मेडिटेशन। पर जब बच्चे आ जाते हैं ना सुबह सुबह 5 बजे, यू कैन इमेजिन, एक डिफरेंट लेवल ऑफ आनंद होता है वो। तो ऐसे हमें बच्चों के एक्शन के साथ पॉजिटिव आनंद को जोड़ना है, यस। और अगर हम ये कर पाए तो बस फिर हम कहेंगे क्या, बल्ले बल्ले, यस। तो मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।